बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरीशा है, मैं एमएनएसटी की स्टूडेंट हूँ एमएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। आज जैसे कि वर्ल्ड वाटर डे है, तो पाकिस्तान में जो वर्ल्ड की पॉलिसी बन चुकी है, वाटर की पॉलिसी बन चुकी है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बींग अ नेशन हमें देखना चाहिए कि वो हमारे वाटर रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रहे हैं, जो कि 600 to 700 पर कैपिटा पहुँच चुके हैं। सेव वाटर सेव लाइफ, बींग अ स्टूडेंट हमें जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए वाटर को सेव करना चाहिए। थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे है, और इसका जो मेन थीम है वाटर फॉर पीस, जिसके बारे में जॉन कैनरी ने कहा था कि एनीवन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, ही विल डिज़र्व फॉर 2 नोबल प्राइज, 1 फॉर साइंस एंड 1 फॉर पीस। तो जैसे कि हमारा जो रिवर सिस्टम है, ये ट्रांसबाउंड्री रिवर सिस्टम है, तो इंडस का जो वाटरशेड एरिया है वो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है और बाकी कंट्रीज़ में भी है। तो हमारा जो 1960 में ट्रांसबाउंड्री इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम हुआ था, और इसी में अगर हम अपने इदारे की बात करें तो मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर अपनी कंट्रीब्यूशन रोल प्ले कर रही है। उसमें हम वाटर मॉडलिंग भी कर रहे हैं साउथ पंजाब के लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलियन फंडेड स्टडी है। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से हमने ग्राउंड वाटर मॉडलिंग खानेवाल की भी की है। और ना सिर्फ हम डाउन स्ट्रीम पर काम कर रहे हैं बीइंग इंस्टीट्यूट, हम अपर इंडस बेसन पे भी काम कर रहे हैं, ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है वाटर रिसोर्सेज पे, उसको भी मिटिगेट किया जा सके। लेकिन अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो मैक्सिमम जो वाटर यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, लेकिन रिसेंट आप देखें हमारी पॉपुलेशन बहुत, तो ये सेक्टर भी कम्पीट करेगा इन फ्यूचर जो डोमेस्टिक डिमांड है। जैसे हमारे लाहौर सिटी है, तो उसकी डोमेस्टिक डिमांड जो है 200 लीटर पर कैपिटा है। तो हमें अब जो कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है, उसमें भी हमें सरफेस वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं ग्राउंड वाटर। तो इसलिए हमें जो कम्युनिटी बेस पे है वाटर एजुकेशन की ज़रूरत है। तो हम ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी कम्युनिटी से, मीडिया से ज़्यादा वाटर एजुकेशन जो हमारी कम्युनिटी है उसमें प्रोड्यूस की जा सके। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से हमने वाटर की एफिशिएंसी पे, कन्वेंस लॉसेस पे बात की, उसके साथ साथ हमें वाटर की रिसाइकलिंग पे भी जो है वो ज़ोर देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हर शोबे ज़िंदगी में जो साफ पानी है उसे इस्तेमाल किया जा रहा होता है, वो चाहे फ़र्श की क्लीनिंग के लिए हो, गाड़ियों की क्लीनिंग के लिए हो, या जो दूसरे ऐसे पर्पसेस जिनमें हम लेस क्वालिटी का वाटर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी हम फ्रेश वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में हो रहा है कि जो वॉश बेसन का पानी है उसे सेपरेटली कलेक्ट करके उसे लेस क्वालिटी वाटर को फ्लोर वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसे कार वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और इसी तरह हमारा जो वुजू का पानी है, जो कि नियर टू क्लीन होता है, उसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल करके उसे हम कार वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए, हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ साथ हमें उसकी वाटर की रिसाइकलिंग पे भी हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। और इस तरह जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो कि हम डायरेक्टली अपनी क्रॉप्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर हम उसे आसान तरीके जैसे कि बाकी वर्ल्ड में फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स का जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, और इसी तरह कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर हम अपने वेस्ट वाटर को भी रिसाइकल कर सकें, उसे साफ करके फिर हम क्रॉप्स को अप्लाई करें, तो जो हमारे यहाँ पे डिजीज़ का इशू बनता है उसे भी हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह हमें वाटर की एफिशिएंसी के साथ साथ उसकी रिसाइकलिंग पे और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि वाटर की अहमियत पर बात हो रही है, तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो ग्लेशियर्स हैं, जो कि हमें सरफेस, हमारे पास जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है और हम लकी हैं, वो हमारे पास ग्राउंड वाटर है। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो यहाँ पर कम्युनिटी को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारी जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत प्रीशियस है, और घरों में जो हम पानी को बचा सकते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कि आप कभी नेक्स्ट आगे गर्मी का सीज़न आ रहा है और हर घर में एसी मौजूद है, और एसी का पानी एक साफ़ पानी है, और उसे आप अपने घर में सफाई के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं।
सेकेंडली ये है कि जो हमारे पास ग्राउंड वाटर है इसकी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट को इस पे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, तो इसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फ्रेश वाटर के बहुत कम हैं और उनको हम एक लिमिटेड वे में यूज़ करें। अब डिफरेंट कॉलोनीज़ में ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही है कि उन्हें एक पानी की कीमत पे करनी पड़ती है, वो बहुत कम है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से बोर कर रहे हैं, लेकिन उस बोर से ये इम्पैक्ट आ रहा है कि एयरली बेसिस पे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डाउन, यानी वाटर टेबल डाउन जा रहा है। और अगर हम इसको डेवलप कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ ये प्रैक्टिस है कि जो एक ग्राउंड वाटर है वो उसको हम मेंटेन कर पाते हैं, कि एग्रीकल्चर में हमारा पानी जो मेजर हम लॉस कर रहे हैं हमारे जो फार्मर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे मुल्क के लिए ख़ास तौर पर बहुत अहम है और पूरी दुनिया इसको बहुत अहमियत दे रही है, वर्ल्ड वाटर डे। आज का दिन का जो मैसेज है यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो है वाटर फॉर पीस। मतलब इसमें इस मैसेज से हमें पता चल रहा है कि अगर पानी होगा तो अमन होगा, पानी नहीं होगा तो अमन हमारा एक चैलेंज में आ जाएगा। उसके आगे हम देखें कि पानी में हमें प्रॉब्लम क्या आ गया है। हमारा ग्राउंड वाटर हर साल नीचे जा रहा है और ग्राउंड वाटर को मेजर जो यूज़र है वो ज़रात है। और आज हम ज़राई यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और यहाँ पर ज़रात ही इसको देख रही है और उससे हम हमारे स्टूडेंट्स हमारे असाज़ा मुतफक्कर हैं और कोशिश कर रहे हैं इस पर तहकीक करें। लेकिन इमीडिएट जो मैसेज है वो ये है कि हमने ज़रात में पानी उस वक्त देना है, अंडरस्टैंड करना है। इस वक्त हमारे साथ वाटर मैनेजमेंट के लोग भी मौजूद हैं कि हाउ मच टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, ये तीन मैसेज हैं कि जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। मीन्स कि अगर हमने ज़मीन को पानी ज़रूरत है तो दें वरना ना दें, और अगर ज़रूरत देना है तो कितना दें। तो इस बात को हम समझेंगे तो हमें मुल्क में कुछ फ़ायदा होगा। हर साल ग्राउंड वाटर नीचे जा रहे हैं और 2070 में हमें ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है कि ग्राउंड वाटर को क्या हम पुल कर भी सकेंगे कि नहीं। प्रेडिक्शन बता रही है कि ग्राउंड वाटर को पुल करना हमारे लिए बहुत मसला बनेगा। मेन इशू हमारा इस वक्त सरफेस वाटर को प्रॉपर मैनेजमेंट है। ज़्यादातर जो काम हुआ है हमारे मुल्क में वो कन्वेंस लॉस पे हुआ है। अब हमारा काम स्टार्ट कर दिया है, पाकिस्तान के मतलब कि गवर्नमेंट की सतह पे काम स्टार्ट हो गया है, वो एप्लीकेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करने पे हुआ है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है कि खेत को पानी कितना देना है और उसका पानी रूट जोन में ही रहे और उसको फसलात के लिए फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला हमारे यूनिवर्सिटी में भी मशीनें भी डेवलप की हैं कि वो एप्लीकेशन लॉस को इम्प्रूव करने के लिए सॉइल की सेहत के लिए बेहतर काम करें। और हमारे स्टूडेंट्स सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और बाकी तमाम शोबों में इसको ख़ास तौर पर अहमियत दे के रिसर्च के प्रोजेक्ट लेके भी आ रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। आपका मैं एक मैसेज दूँगा कि घर का पानी जितना हम बार बार सोचते हैं कि किससे किस तरह इस्तेमाल करें, उसको हम कोशिश करें कि घर के पानी को ही हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। हमें पता है कि हमारा पानी गैर ज़रूरी तौर पे ओवरफ्लो हो रहा होता है, सरकारी पानी ख़ास तौर पे, गवर्नमेंट अपने तौर पे करेगी, हमने अपने तौर पे करना है। ज़रात में हमने जो हमें नहरी पानी मिलता है उस नहरी पानी को वाटर मैनेजमेंट ने स्कीमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराई हैं कि उस पानी को पहले स्टोर करें और उसको एफिशिएंट यूज़ करें। तो मैं कहूँगा कि हमारे काश्तकार भाई ज़रात के महकमों से राबता करें, वाटर मैनेजमेंट से राबता करें, ज़रिए इंजीनियरिंग से राबता करें और उनसे पूछें कि हम ये पानी के फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने में कि कौन सी फसलों का कम्बिनेशन बनाए, इंशाल्लाह ताला इसमें आफियत होगी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के जी, अभी पानी का जो सीरियस इशू पाकिस्तान में चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है और इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में हम लोग इरीगेशन स्केजुलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आलमगीर साहब ने भी यही फरमाया कि कितना पानी हमें देना चाहिए, क्रॉप्स की डिमांड कितनी है, तो उस हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं और फ्यूचर के अंदर हम एक हर क्रॉप के लिए इरिगेशन स्केड्यूल डेवलप करने जा रहे हैं और होपफुली विद इन अ ईयर और टू ये हमारे पास अवेलेबल होगा। इसके अलावा दुनिया जो अब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रही है जिसमें सेंसर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके ऊपर भी रिसेंटली हमने एक जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात चल रही है PSF से और होपफुली वो हम उस प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ सेंसर्स के ऊपर काम करेंगे। ये सेंसर्स यही चीज़ बताते हैं कि साइल के अंदर मॉइस्चर लेवल क्या है और कब आपने इरिगेशन अप्लाई करनी है।
तो उससे आप बहुत सारा पानी जो है वो बचा सकते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपके वर्ल्ड वाटर डे है और वाटर डे के हिसाब से हमारे पास हमारे जो वाटर साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक वॉक का अहतमाम किया और कुछ बच्चों को टू प्रोवाइड देम अवेयरनेस हाउ टू कंजर्व वाटर उसका अहतमाम किया। आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स बाय डॉक्टर आलमगीर साहब, बाय डॉक्टर सरफराज साहब। साथ साथ जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि एक इकाई से यानी एक इंडिविजुअल से वाटर कंजर्वेशन जो है वो हमें चाहिए कि मैं अकेला अपने तौर पे अपने ज़िंदगी के मामलात में अपनी जो पानी की ज़रूरियात हैं वहाँ पे मैं कितना पानी को बचत के साथ और इख्तसार के साथ और ज़रूरत के साथ इस्तेमाल करता हूँ और उसको वेस्टेज से बचाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने फैमिली में उसका कितना ताकीद करता हूँ और उसका कितना अहतमाम करता हूँ, और फिर फैमिली से हट के फिर आप अपने इलाके में और फिर आप अपने शहर में और फिर आप अपने मुल्क में। अभी तक जो हमारे पास मालूमात हैं पाकिस्तान जो है इस वक्त वाटर शॉर्टेज का शिकार होता चला जा रहा है। दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो साउथ अफ्रीका इस वक्त सिचुएशन आ चुकी है केप टाउन में, उससे अगर हम बचना चाहते हैं कि उसको खुशनाश कराना पानी की अहमियत को, और उसके लिए बच्चों को बचपन से ही तैयार करना कि वो अपने ज़ाती अमूर में पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान में कि बहुत बड़ा पानी का जो लॉस कह लें या इस्तेमाल कह लें वो एग्रीकल्चर में है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे अभी आलमगीर साहब कह रहे थे कि कन्वेंस लॉस पे तो बात हो रही है लेकिन एप्लीकेशन लॉसेस पे अभी भी बात नहीं हो रही। मुझे यूँ लगता है कि एप्लीकेशन लॉसेस प्लस जो हम रिसर्च करते हैं पानी बहुत सी दफ़ा हम उसमें भी एहतियात नहीं करते, शायद यही वजह है कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो उनकी जो वाटर क्वालिटी है वो भी डिप्लीट हो रही है और ज़मीनें जो हैं वो भी सैलिनिटी का शिकार हो रही हैं। तो एक ज़ात एक इंसान से ले कर तो पूरे एक सिस्टम तक हमें बहुत ज़्यादा आगाही और रहनुमाई चाहिए के इस तरह के जो दिन हैं और उसमें जो गुफ्तगू होती है उससे इन बच्चों को कुछ सोचने समझने और अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका मिलेगा। कुछ पॉलिसी मेकर्स को और कुछ गवर्नमेंट्स को अपने सिस्टम और अपनी राहें जो हैं वो मुतय्यन करने का मौका मिलेगा। तो जो ये जो एक फियर है कि 2007 पाकिस्तान जो है केस ममालिक शामिल होगा, तो अल्लाह करे कि हम अपनी पॉलिसी बेहतर ज़िंदगी में अपने शब व रोज़ में तब्दील आके उस 2000 अलार्म है उसको हम टाल सकें या उसको दूर कर सकें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।